सो गाइस, काफी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास 21 इंच के स्पीकर को लेकर कि भैया आपने बेस कैबिनेट का बता दिया कि कौन सा बेस कैबिनेट बेस्ट रहने वाला है। अगर आपने नहीं देखा तो हमारा पिछला वीडियो देख लीजिए। 21 इंच के अंदर सबसे बेस्ट स्पीकर कौन सा है और कितने वाट का स्पीकर हमें 21 इंच के अंदर लेना चाहिए ताकि हमें बेस का वाइब्रेशन है वो जबरदस्त मिल सके। सो गाइज, ज़्यादातर 18 इंच की बेस के अंदर हमें पंच मिल सकता है, अच्छा लॉन्ग थ्रो अच्छा मिल सकता है, लेकिन वाइब्रेशन उतना अच्छा नहीं मिलता है जितना 21 इंच के लिए मिलता है। इसलिए ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने डीजे में 18 इंच प्लस 21 इंच के भी स्पीकर यूज कर रहे हैं। तो गाइज, आज के इस वीडियो में भी बात करने वाले कि 21 इंच के लिए सबसे बेस्ट स्पीकर हमारे लिए कौन सा रहने वाला है। तो यहाँ पर गाइज मैं टोटल कुछ 5 बेस्ट स्पीकर देने जा रहा हूँ जो 21 इंच के लिए सबसे बेस्ट स्पीकर हैं। तो गाइज चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे हमारे पहले नंबर पर है एनलैब का S21, जो यहाँ पर स्पीकर देख सकते हो। साइज इसकी 21 इंच के अंदर ही है। पावर इसका 2500 वाट RMS पावर में मिल जाता है। साइज इसकी 21 इंच से रहने वाली है। पैड S यानी ये हमारा 8 ओम्स पर वर्क करेगा, अगर आप दो लेते हो तो 4 ओम्स पर। मैग्नेट इसके अंदर है, एलनिको का यूज़ किया गया है। वॉइस कॉल इसकी कॉपर की है, इन और आउट हाई टेम्परेचरिंग वाली। साइज उसकी चेंज की है। इसका BL फैक्टर 34 TM का मिल जाता है। व्यास 313 लीटर और इसका वेट है वो 25 kg के आसपास रहने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट स्पीकर की तरफ। नेक्स्ट हमारा है वो है लावोची का SN215। काफ़ी अच्छा स्पीकर है। पावर ये भी 2000 वाट RMS पावर मिल जाता है। इसकी भी साइज है 21 इंच की रहने वाली। इम्पेडेंस ये भी हमारा 8 ओम्स पर वर्क करेगा। और इसके अंदर मैग्नेट की बात करें तो इसके अंदर नेओडियम का मैग्नेट यूज़ किया गया है जो बेस के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। और वॉइस कॉल इसकी कॉपर की है। साइज़ की बात करें तो इसकी 6 इंच की वॉइस कॉल है। BL फैक्टर इसका है वो 39 TM का मिल जाता है। और व्यास इसका है 200 लीटर के अंदर और इसका वेट है वो यहाँ पर 15 kg से थोड़ा ऊपर है। चलते हैं नेक्स्ट। ये है हमारा डायनामाइट का। डायनामाइट बेस के लिए काफ़ी अच्छी कंपनी है। काफ़ी स्पीकर है उसके, ट्रांजिस्टर फेमस भी है। ये भी हमारा 2000 वाट RMS पावर का है। साइज 21 इंच की है इसके अंदर और इम्पेडेंस 8 ओम्स का है। ये भी नेओ मैग्नेट में है तो नेओ मैग्नेट के बेस स्पीकर भी काफ़ी पावरफुल होते हैं। ज़्यादातर 21 इंच के स्पीकर है वो नेओ मैग्नेट में ही आते हैं क्योंकि उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहे। वॉइस कॉल कॉपर की है। साइज़ भी 6 इंच की मिल जाती है। BL फैक्टर इसका भी 39 का मिल जाता है और इसका व्यास भी यहाँ पर 200 लीटर का रहने वाला है। वेट इसका 18 kg के आसपास। चल रहे हैं हमारे नेक्स्ट स्पीकर की तरफ। ये है फ्रेंड्स हमारा BNC का DM2000XB21, जो यहाँ पर है एक 21 इंच के अंदर 2000 वाट का RMS पावर वाला स्पीकर है। इम्पेडेंस इसका भी 8 ओम्स का है। ये भी नेओडियम का मैग्नेट यूज़ किया गया है। वॉइस कॉल ये भी कॉपर की है। साइज़ की बात करें तो 5.5 इंच की वॉइस कॉल मिल जाती है। BL फैक्टर है वो इसका 28 TM का मिल जाता है। व्यास इसका 371 लीटर का मिल जाता है और इसका वेट है वो 24 kg का रहने वाला है। तो गाइज ये भी स्पीकर अच्छा है। नेओडियम है ये भी मैग्नेट, लेकिन उनके मुकाबले ये कम है। आ गया हमारा POAudio का HD21, जो यहाँ पर 2000 वाट AES पावर वाला स्पीकर है। साइज 21 इंच, इम्पेडेंस 8 ओम्स और इसका मैग्नेट है वो नेओडियम मैग्नेट के अंदर ही है। इसके वॉइस कॉल की बात करें तो इसकी वॉइस कॉल है वो SVSQ में मिल जाती हैं। वॉइस कॉल साइज है वो 6 इंच की है इसके अंदर भी और इसका BL फैक्टर है वो यहाँ पर 43 TM का मिल जाता है। व्यास इसका 328 लीटर में मिल जाता है और इसका वेट है वो यहाँ पर 20 kg का है।